वहाँ पहुँचे हैं द मिलेनियम स्कूल के अंदर, जहाँ पे वोटिंग लगातार जारी है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ के अंदर का दृश्य। पहले यहाँ गेट पे दो लाइनों के द्वारा अंदर वोटर्स को भेजा जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, स्पेशली अगर लंबी लाइन लग जाती है तो वोटर्स आराम से बैठ सकते हैं। और वेटिंग एरिया एक इस साइड भी बनाया हुआ है सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए। सारे जो स्कूल के जितने भी वो हैं एम्प्लॉयज, वो सारे यहाँ पे मदद कर रहे हैं उनकी। और आइए आपको ले चलते हैं सीधा वोटिंग के पास। देखिए यहाँ पर दो लाइन में लोगों को अंदर वोटिंग के लिए भेजा जा रहा है। और यहाँ पे अंदर भारी मात्रा में पुलिस तैनात है, जिससे कि वोटिंग में कोई रुकावट ना आए और वोटिंग लगातार आराम से स्मूथली चलती रहे। ये हमारे पोलिंग बूथ हैं, जहाँ पे वोटर्स को एक एक करके कोविड प्रोटोकॉल के निर्देश में अंदर भेजा जा रहा है। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधा वोटर्स के पास और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं इस बारी के वोटिंग को लेकर, वो किस मुद्दों पे अपना मतदान दे रहे हैं आज। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो मतदान देने आए हैं वो किस आपके क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी चुनाव का, स्पेशली जो शहर का इस तरह का एम एल ए का इलेक्शन होता है, लोकल समस्याओं पर होता है। शहर का जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर होता है कि वहाँ का विधायक कहाँ या आगे वाला होगा, वो इस शहर को कैसे आगे बढ़ा पाएगा, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर पाएगा। यहाँ की प्रॉब्लम शहर के अलग अलग, ख़ासतौर पर ये जो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है, ये उत्तर प्रदेश का मुकुट कहलाता है। यहाँ की प्रॉब्लम फर्क होती है, आमतौर पर आपने छोटे शहर में देखा होगा उनकी प्रॉब्लम होती है, यहाँ की प्रॉब्लम फर्क है। यहाँ के आप देखें कि बड़ी बड़ी मंजिलें बनी हुई हैं, जिनकी सोसाइटीज़ की अपनी प्रॉब्लम है, झुग्गी झोंपड़ी वालों की अपनी प्रॉब्लम है, जो और जो सोसाइटी हैं जो मकान बने हुए उनकी अपनी प्रॉब्लम है यहाँ, और जो बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि ये शहर इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्री वालों की अपनी प्रॉब्लम है, छोटी इंडस्ट्री वालों की अपनी प्रॉब्लम है, एमएसएमई वालों की अपनी प्रॉब्लम है, मल्टीनेशनल कंपनी की अपनी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लमों को मैक्सिमम कौन सॉल्व कर सकता है वो देखना पड़ेगा, और जिसका इंटरेक्शन पब्लिक से ज़्यादा हो। ये नहीं कि अपने घर में बैठे रहे और बर्थडे पार्टी और मैरिजेज में दिखे, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो तुरंत किसी भी बात पर जो है सामने आए और आपकी बात को ऊपर तक ले जाए, भले काम हो चाहे ना हो, एटलीस्ट ऐसा व्यक्ति चाहिए कि हमारे सामने जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुने। सुनना ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ के लोग दिखते तक नहीं सर। तो जो कोरोना के चलते यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए व्यवस्था तो अभी साफ अच्छी दिख रही है, मॉर्निंग का समय है, लेकिन आने वाले अभी ये दिन का समय पता चलेगा जब लोग सो के उठेंगे। आज छुट्टी का दिन है, आमतौर पर शहरी जो है बड़ा लेट होता है, गांव वाला हिसाब नहीं है, बस देखते हैं। ये आज हमारे साथ हैं नोएडा के वोटर जो अभी अभी मतदान दे के आए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे थे इनके मतदान को लेकर। नमस्कार सर, सर क्या मुद्दे थे आपके मतदान को लेकर? ये सबसे बड़े प्रायोरिटी के मुद्दे थे। और कोविड के चलते आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बेहतर होगा। और क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में? जैसे ये कर रहे हैं वैसे करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले कभी भी नहीं हुई, क्योंकि जो विकास मोदी जी का है और गाड़ी लेके अपने योगी जी का है उसका मुकाबला नहीं। सर एक बारी वो वोटिंग का जो चिन्ह होता है वो दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए अभी अभी सर मतदान दे के आए हैं और बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है सब में। व्यवस्था व्यवस्थित कभी भी हमने इतने सालों में अच्छी साल की उम्र में ऐसी व्यवस्था कभी भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। संवाददाता सौरभ और कैमरामैन कमल के साथ आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।